व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। आज का टॉपिक बड़ा ही शानदार टॉपिक है। आज आप लोगों को जानने को मिलेगा सब सर्विसेज के बारे में, जो भी पब्लिक सर्विसेज हमारी कंट्री में है, चाहे वो सेंटर की हो, चाहे वो स्टेट की हो, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो या आईएफएस हो, या इसके अलावा जो भी स्टेट की सर्विस होती है, इसी कैडर के जो नीचे आती है वो सारी सर्विसेज, और इसके अलावा क्या क्या इनसे रिलेटेड हमारी कंट्री में प्रोविजन है और क्या क्या इनको सेफगार्ड दिए गए हैं और किस तरीके से इनको कई बार हटाया भी जाता है, डिसमिस किया जाता है, तो वो सारी चीजें आज आप लोगों को जानने को मिलेगी। माइंड में कंप्लीट क्लैरिटी आ जाएगी कैसे कैसे इनका क्रिएशन होता है। ओके, तो आइए देखते हैं आज का लेक्चर, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पब्लिक सर्विसेज से। देखिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा तीन चार वर्ड्स जो ऐसे हैं जो आप लोगों के माइंड में कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, उनको क्लियर कर देता हूं। पहले सबसे पहली बात आती है, देखिए हमारी कंट्री में आज की डेट में तीन ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ठीक है। एक तो हो गया आईएएस, एक हो गया आईपीएस और तीसरी है आईएफएस, जिसको बोलते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ना कि फॉरेन सर्विस, ठीक है, फॉरेस्ट, ठीक है। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है और आईपीएस है और आईएएस है। ओनली तीन सर्विस ऐसी हैं हमारी कंट्री में जिनको ऑल इंडिया सर्विस बोलते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है ये, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा 1963 में ये बोला गया था कि और ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करते हैं, तो जब रिकमेंडेशन दी गई वहां पर, उस टाइम पर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए रिकमेंडेशन आई थी, इंडियन मेडिकल एंड द हेल्थ सर्विसेज के लिए भी आई थी और इंडियन सर्विस फॉर इंजीनियरिंग इंजीनियर्स के लिए भी आई थी। तो यहां पर जो बात की गई, यहां पर ये पहले वाली तो इन्होंने एक्सेप्ट कर ली, पर लेकिन ये दो इन्होंने आज तक भी इनको पिक्चर में नहीं लेकर आए हैं, ठीक है। तो पहली तो बात ये हो गई, हमारे यहां पर ओनली तीन ऑल इंडिया लेवल की सर्विस है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात आप लोगों को कई बार जानने को मिलती है, सिविल पोस्ट। सिविल पोस्ट आखिर है क्या? देखिए, हमारी कंट्री में जो भी मिलिट्री से रिलेटेड पोस्ट होती है, जैसे एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, आर्मी हो गया, ये सारी पोस्ट के अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो सिविल पोस्ट होती है, जो कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में जो भी संबंध रहते हैं, आप लोग डेली के डे बाय डे की जो एक्टिविटीज जिनके साथ में आप लोग इन्वॉल्व रहते हैं, वो सारी सिविल पोस्ट यहां पर होती है। ओके, उनको सिविल पोस्ट बोला जाता है, जो कि डिफरेंट है मिलिट्री स्टाइल से, मतलब जहां मिलिट्री का यूज नहीं हो रहा है। ओके, तो ये सारी सिविल पोस्ट होती है। इसके अलावा आप लोगों को जानने को मिलेगा यहां पर क्या डिसमिस और रिमूवल, ये भी कई जगह यूज होगा। देखिए, डिसमिस का मतलब और रिमूवल के मतलब में दोनों में डिफरेंस है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन से का क्या मतलब होता है। अगर डिसमिस की बात करें, डिसमिस का मतलब होता है डिस्क्वालीफाई कर देना फ्यूचर के लिए भी, मतलब जॉब से एक तरीके से हटा देना, डिसमिस कर दिया इसको पोस्ट से, एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट, ठीक है ना, तो इसको मतलब डिसमिस कर दिया गया है। जबकि दूसरे वाले का मतलब है रिमूवल, कुछ टाइम के लिए है, फ्यूचर के लिए नहीं है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई किया है, पर लेकिन बाद में इसको हटाया लगाया जाएगा, तो रिमूवल का मतलब ये है। तो डिसमिस एंड रिमूवल में आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो यहाँ पर आप लोगों को लेक्चर में यूज होंगे, तो आपके माइंड में इससे रिलेटेड क्लैरिटी रहनी चाहिए। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस स्टार्टिंग से नहीं थी, ये बाद में आई 1966 में, ठीक है। कौन कौन सी थी स्टार्टिंग में, वो आप लोगों को भी आगे जानने को मिलेगा। तो तीन तरीके यहाँ पर सर्विसेज आप लोग देख सकते हैं, आईएएस ऑल इंडिया सर्विस है, आईपीएस ऑल इंडिया सर्विस है और आईएफएस ऑल इंडिया सर्विस है। तो तीनों के बारे में माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, जब भी कंफ्यूजन आप लोगों को मिलेगा देखने को, वो यहां पर देखने को मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा यहां पर याद रखिएगा फॉरेस्ट, ठीक है ना, फॉरेस्ट हमारी ही कंट्री में रहते हैं तो ऑल इंडिया सर्विस होगी, तो फॉरेन सर्विस नहीं है, फॉरेन क्योंकि दूसरी कंट्री में चले गए, ठीक है ना, दूसरी कंट्री में जाते हैं मैक्सिमम फॉरेन ऑफिसर जो रहते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं, थोड़ा सा टिकड़मबाजी करके, वैसे आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहनी चाहिए इस तरीके प्रोविजन से रिलेटेड। कुछ और बातें जान लेते हैं यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विस के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, देखिए आप लोग सभी बोलते हैं आईएएस की तैयारी करनी है, आईपीएस की तैयारी करनी है, तो कम से कम इनका बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो ऑल इंडिया सर्विस की जब बात की जाती है, तो 1951 के तहत जो एक्ट आता है उसके तहत यहाँ पर बात की जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विसेज होनी है, और ये कंसल्ट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी। क्यों? क्योंकि आखिरकार कुछ टाइम तक इनको स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी काम करना होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी काम करना है, तो दोनों जगह काम करना होता है ऑल इंडिया लेवल पर। आप लोग जानते हैं बहुत सारे ऐसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर है जो कि 6-6 महीने में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, तो इस तरीके से आप लोग इनको बोल सकते हैं, मतलब ये क्राइटेरिया है ऑल इंडिया सर्विस की, दोनों जगह काम करने को इनको मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई यहां पर, देखिए अगर बात की जाए रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग की, ये तो की जाती है सेंटर के द्वारा, आप लोग जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये आप लोगों को पता है लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल यहां पर हटा रखा है, तो पिक्चर वाले नेशनल खा गए हैं, इसको छोड़िएगा, इसको इग्नोर कीजिएगा, वैसे है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये पूरी इसकी फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर ट्रेनिंग आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्मली जो आईएएस होते हैं उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर होती है, और जो आईपीएस की ट्रेनिंग होती है वो हैदराबाद में होती है, ये आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली। ओके,
तो ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, जो ट्रेनिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होती है, और जो वर्क किया जाता है वो कुछ टाइम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी काम करने को मिलता है, पर मैक्सिमम टाइम स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ही रहते हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा स्टेट का कैडर मिलता है इनको, मतलब अलग अलग स्टेट में इनको जगह मिलती है। आपने सुना होगा यूपी कैडर मिल गया, बिहार कैडर मिल गया, मतलब इस तरीके से आप लोगों ने कई बार बातें सुनी होगी। तो एक कैडर का मतलब होता है स्टेट के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है उनको, सेंटर का खुद का कोई कैडर नहीं होता है। ओके, स्टेट का कैडर होता है स्टेट के अंदर डिवाइड किया जाता है, क्योंकि सेंटर एक हमारा पूरा सेंटर हो गया, एक कंप्लीट इंडिया हो गया हमारा, तो यहां पर इस तरीके से डिवाइड नहीं है, पर स्टेट के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हमारे यहां पर 29 स्टेट है, तो उनके अलग अलग कैडर हो जाते हैं किस स्टेट के कैडर में आज की डेट में बंदा या बंदी जॉब कर रहा है। ओके, तो ये बातें कुछ आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। जब बात करते हैं इनकी राइट्स की या फिर इनकी कुछ भी, इनसे स्केल क्या होना है, पे का इनका, जो भी इनके सारी ऐसी चीजों की बात करते हैं, तो ये थ्रू आउट द कंट्री वो सेम रहते हैं, चाहे कोई बिहार में है, चाहे कोई एमपी में, तमिलनाडु में, कहीं पर भी है, तो ये ऑल इंडिया लेवल पर इनके सेम रहते हैं। ऐसा नहीं है कि यूपी में जाकर चेंज हो जाएंगे और बिहार में या फिर तमिलनाडु में या फिर ऊपर जाकर कहीं पर चेंज हो जाएंगे, वो सेम रहते हैं। और इसके अलावा जो सैलरी होती है वो स्टेट से निकल कर आती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सैलरी दी जाती है क्योंकि काम उन्हीं के अंडर में करते हैं ये लोग। इसके अलावा जब कंट्रोल की बात करते हैं तो देखिए दोनों ही कंट्रोल करते हैं यहाँ पर, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है, पर मेन जो कंट्रोल रहता है, असली रिमोट कंट्रोल रहता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा बहुत टेम्परेरी काम कर सकती है, ट्रांसफर कर दिया इधर से उधर, किसी और डिपार्टमेंट में भेज दिया, ये काम करती है ओनली स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। आप लोगों को ये पता ही होगा हिस्ट्री, तो आप लोगों को थोड़ी बहुत, जो स्टार्टिंग में बोला जाता था इसे, मतलब स्टार्टिंग में इंडियन सिविल सर्विसेज बोला जाता था, आईसीएस बोला जाता था, जिसको चेंज करके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कर दिया गया था, और इंडियन पुलिस को बाद में चेंज करके इंडियन पुलिस सर्विसेज कर दिया गया था 1947 में। तो ये कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। और 1966 में जो ऑल इंडिया सर्विस में आ गया था वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गया, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, स्टार्टिंग में दो थी, फिर बाद में एक और क्रिएट कर दी गई। ओके, इसके अलावा जब बात की जाती है यहाँ पर आगे, अगर हम चले तो देखिए जो अल्टीमेट कंट्रोल होता है वो तो मैंने आप लोगों को बताया सेंटर के हाथ में होता है, पर इमीडिएट कंट्रोल मतलब ट्रांसफर कर देना, इधर छोटे मोटे काम कर देना, ये जो रहता है स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है। पर लेकिन अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना है इनसे रिलेटेड, मतलब डिसिप्लिन में नहीं है, कोई उल्टा सीधा काम किया जा रहा है, तो वो सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। बात कर लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, इनको देखिए फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज माना जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में ये बात करी जा रही थी कि ऑल इंडिया सर्विस को अबोलिश कर देते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अंग्रेजों के टाइम से चली हुई आ रही थी, तो कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आ रही थी कि आगे आने वाले टाइम में एक लाल फीताशाही यहां पर हो सकती है, ठीक है, तो इसलिए बोला गया था। पर लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मना कर दिया था, उन्होंने बोला था नहीं, इनकी हमको जरूरत है अपने देश को अच्छे से, के बारे में आप लोगों को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी भी है, और इस तरीके से आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि ऑल इंडिया सर्विस इन्हीं की वजह से आज की डेट में जिंदा है। ओके, अब नेक्स्ट पोर्शन आता है सेंट्रल सर्विस। देखिए सेंट्रल सर्विस एक देखने को मिलेगी और सेकंड आप लोगों को देखने को मिलेगी स्टेट सर्विसेज। तो सेंट्रल सर्विस सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में करती है, जो भी फंक्शन आप लोग देखने को मिलते हैं, जितने भी फंक्शन सारे आज आप लोगों को देखने को मिलते हैं, चाहे वो रिवेन्यू डिपार्टमेंट ले लीजिए, चाहे वो एक्साइज डिपार्टमेंट ले लीजिए, इसके अलावा चाहे आप लोग ले लीजिए इंडियन पोस्टल सर्विस, तो ये सारी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, ये सारी इंडियन फॉरेन सर्विस, तो ये सारी सेंट्रल सर्विसेज के अंडर में आती है। ओके, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यूरिडिक्शन रहता है, एक्सक्लूसिवली इसी के अंदर डिपार्टमेंट सारे थामते हैं, सारे फंक्शन जितने भी रहते हैं वो इन्हीं के हिसाब से होते हैं। अगर बात करें बिफोर इंडिपेंडेंस तो इनका नाम था सेंट्रल सर्विस, इनको क्लासिफाई किस तरीके से किया गया था, क्लास ए मतलब क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड, इसके बाद में सबऑर्डिनेट और इसके बाद में इन्फीरियर सर्विस। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलता है, नाम से ही पता चलता है कि मतलब एक मतलब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आ रहा है, इन्फीरियर सर्विस भी नाम रख रखा है यहाँ पर। तो बाद में इसको चेंज करके जो ये सबऑर्डिनेट और ये इन्फीरियर सर्विस को क्लास थर्ड और क्लास फोर्थ कर दिया गया। अब जब वर्ड लेते हैं हम लोग क्लास, तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है, ये उस क्लास का बंदा है, ये उस क्लास का अपर क्लास लोअर क्लास, तो इसलिए इनको अपर क्लास लोअर क्लास को भी चेंज करके 1974 में इनको ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, ग्रुप ए सर्विस, ग्रुप बी सर्विस, ग्रुप सी सर्विस, ग्रुप डी सर्विस। तो आज की डेट में आप लोग देखेंगे कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी आप लोगों को देखने को मिलता है, ना कि क्लासेज, क्योंकि क्लास में डिवाइड होने का मतलब है कि मतलब ऐसा लगता है जैसे कि कास्ट में डिवाइड कर दिया या फिर रिलीजन में डिवाइड कर दिया हो। तो ये भी कहीं ना कहीं एक अलग तरीके की डिवीजन देखने को मिलता था, उसको भी चेंज कर दिया गया, ठीक है। आज की डेट में हमारे यहाँ पर लगभग 60 ग्रुप ए सर्विसेज आप लोगों को देखने को मिलेंगी, जिनमें आप लोग देखने को मिल सकते हैं सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस, जिसको आईएएस भी बोलते हैं आप लोग, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को इंडियन इकोनॉमिक सर्विस देखने को मिलती है, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन स्टेटिकल सर्विस। तो ये कुछ सर्विसेज है जो आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती है। ओके, तो वैसे 60 से ज्यादा है, सारी याद नहीं रखनी है, बस एक आइडिया क्रिएशन होना चाहिए आपके माइंड में कि एक्चुअल में ही है क्या। तो एक्चुअल में ये सारी सर्विसेज है जो आप लोगों को पता होना चाहिए।
अब ये तो आप लोगों को देखने को मिल गया, ग्रुप ए ग्रुप बी की सर्विस हो गई, ऊपर वाली सर्विस, और नीचे जो हो गई ग्रुप सी और ग्रुप डी की, ये क्लेरिकल और मैनुअल वर्क वाले जो वर्क होते हैं वो सारे इनके द्वारा किए जाते हैं। अब जब बात करते हैं ग्रुप ओ और ग्रुप बी की, तो ये होते हैं गजेटेड पोस्ट, गजेटेड ऑफिसर कहते हैं। गजेट होता है एक डॉक्यूमेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अंदर इनके बारे में लिखा होता है, ठीक है, तो इसलिए इनको गजेटेड पोस्ट कहते हैं। और ग्रुप और सी एंड डी जो रहती है ये नॉन गजेटेड पोस्ट रहती है। अगर बात करें यहां पर सेंट्रल सर्विसेज में, तो इंडियन फॉरेन सर्विस जो है ये हाईएस्ट सर्विस है सेंट्रल सर्विसेज में, और काफी अच्छी, मतलब आप लोग बोल सकते हैं अच्छी खासी यहां पर इज्जत, अच्छी खासी पे और बहुत सारी फैसिलिटीज यहां पर प्रोवाइड कराई जाती है। आईएएस के बाद में दूसरे नंबर पे इसी को माना जाता है हाईएस्ट सर्विस, जो सबसे बेहतरीन सर्विस है, और इसके बाद में तीसरे नंबर पे आईपीएस देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को इसको बारे में पता होना चाहिए। सबसे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट सर्विस हमारी कंट्री में मानी जाती है वो है आईएएस, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। जिस तरीके से ऊपर कैडर की सर्विस होती है सेंट्रल सर्विस, और हम लोगों ने देखा भी जो हमारे यहाँ पर ऑल इंडिया और इसके अलावा सेंट्रल सर्विसेज होती है, इसी तरीके से स्टेट सर्विसेज होती है। स्टेट सर्विसेज क्या रहती है, कंप्लीटली जो पावर रहती है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रहती है। आप लोगों ने नॉर्मल सुना होगा कि यूपी पीसीएस हो रहा है, एमपी पीसीएस हो रहा है, तमिलनाडु का पीसीएस हो रहा है, राजस्थान पीसीएस हो रहा है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, ओके। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है, जो भी फंक्शन वगैरह होते हैं सारे स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट इनके द्वारा थामे जाते हैं। इसके अलावा देखिए लोअर पोस्ट ऑक्यूपाई करते हैं, जो कि ऊपर वाले तो हो गए आईएएस आईपीएस या फिर आईएफएस हो गए, इसके नीचे वाली जो पोस्टें होती हैं स्टेट गवर्नमेंट में वो सब इनके अंडर में आती हैं। हर एक स्टेट की देखिए डिफरेंट डिफरेंट होती है, ये यहाँ पर आप लोग इनमें एक एक आप लोग बोलेंगे यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिलती है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट कर रखे हैं, तो ये पोस्ट आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलती है। पर कुछ कॉमन पोस्ट यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ, सिविल सर्विस पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी, पुलिस पोस्ट देखने को मिलेगी, फॉरेस्ट सर्विसेज की, एग्रीकल्चर सर्विसेज की। एग्रीकल्चर आप लोगों को पता है जो 7th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां पर स्टेट लिस्ट के अंडर आता है। ये लिस्ट वाला भी सारे चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, सारे लेक्चर आप लोगों को नीचे मिल जाएंगे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारे लेक्चर के लिंक मिल जाएंगे वीडियो के नीचे, जिसने नहीं देखे वो देख सकता है, ओके। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर नियम की बात करें, अगर आप लोग देखें तो इनका नाम भी हर एक सर्विसेज के हिसाब से रहता है, जिस तरीके से जिस स्टेट की सर्विस है पहले उसका वर्ड आ जाता है शॉर्ट फॉर्म में, आंध्र प्रदेश सिविल सर्विस, आंध्र प्रदेश पुलिस सर्विस, आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट सर्विस, इसी तरीके से यूपी की हो गया सिविल सर्विस, यूपी की हो गया पुलिस सर्विस, तो इस तरीके से एमपी का भी हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए हर एक सर्विसेज के नाम में जो डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, जस्ट उसका स्टेट का नाम का शॉर्ट फॉर्म आगे लगा देते हैं, इसके बेस पर डिफरेंस क्रिएट कर दिया जाता है। और जिस तरीके से हम लोगों ने बात की सेंटर की, उसी तरीके से यहाँ पर बात की जाती है स्टेट की। स्टेट में भी कुछ ऐसी कंडीशन हम लोगों को देखने को मिलती है, पहले क्लास हुआ करती थी आप लोगों को देखने को मिला, और आज की डेट में यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्लास को कन्वर्ट कर दिया गया फिर ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप फर्स्ट बोला गया, बाद में ग्रुप ए बोला गया, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड, फिर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी की आ गई बात यहाँ पर। इसके अलावा आप लोगों को जानने को मिलेगा यहाँ पर, देखिए जो यहाँ पर आप लोग देखते हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी, जिसको क्लास ए क्लास बी भी बोला जाता था, ये गजेटेड पोस्ट होती है यहाँ पर दोनों, और दूसरे वाली नॉन गजेटेड होती है। आखिर एक और डिफरेंस यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो ग्रुप गजेटेड ऑफिसर वाले होते हैं, मतलब ग्रुप ए एंड बी, इन दोनों को बोला जाता है ऑफिसर्स, ठीक है, और जो सी और डी होते हैं उनको बोला जाता है एम्प्लॉय। तो ये डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, नॉर्मली उनको ऑफिसर्स बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को जानने को मिलेगा ऑल इंडिया सर्विस की जब बात की जाती है, तो एक्ट के तहत ये बात होती है, एक्ट जो है ऑल इंडिया सर्विस एक्ट है ये 1951, इसके तहत ये बात बोली जाती है कि 33% से ज्यादा आप लोग ये सीट जो है यहां से इस तरीके से नहीं भरेंगे, जो सीनियर पोस्ट की सीटें हैं। क्यों? क्योंकि नीचे से भी जो आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, नीचे से भी जो स्टेट सर्विस के जो कैडर होते हैं वहां से भी ये प्रमोशन होकर यहां तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनके लिए भी कुछ हवा छोड़नी है यहां पर, मतलब उनके लिए भी कुछ गैप छोड़ना है यहां पर, जिससे कि उनके लिए भी वे भी सांस ले सके ऊपर आकर, ऑक्सीजन उनके लिए भी कुछ यहां पर होनी चाहिए। तो यही बात यहां पर बोली जा रही है कि नीचे वालों के लिए भी थोड़ी जगह होनी चाहिए, जिससे कि प्रमोशन होकर वो भी ऊपर तक आ सके। और उनके प्रमोशन की जब बात की जाती है तो एक कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दी जाती है, जिस कमेटी को प्रिजाइड करते हैं यूपीएससी के चेयरमैन या फिर यूपीएससी के मेंबर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, हर एक स्टेट में आप लोगों को इस तरीके कमेटी देखने को मिलेगी, जो कि प्रमोशन करती है यहाँ पर आप लोगों को, नीचे जो स्टेट कैडर से ऊपर पहुंचाती है प्रमोशन कर करके। तो ये भी आप लोगों के माइंड में थोड़ा सा क्लैरिटी इसके बारे में भी होना चाहिए, ठीक है। तो यूपीएससी के मेंबर या फिर चेयरमैन के द्वारा ये गाइड की जाती है, ओके। अब कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में कहां पर रखा गया है, ठीक है ना, तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं कई बार। आर्टिकल 308 से लेके 314 तक, 308 से लेके 314 तक लेकर यहां पर ये पार्ट 14 में ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल सर्विस और स्टेट सर्विस सबके बारे में यहां पर जिक्र किया गया है। ये आर्टिकल यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 308 की जब बात की जाती है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई नहीं होता, मतलब जो भी इंटरप्रिटेशन है वो अपने आप खुद से करेंगे वहां का।
आर्टिकल 309 की अगर बात की जाए तो पार्लियामेंट और स्टेट के बारे में जिक्र किया जाता है किस तरीके से रिक्रूटमेंट का यहाँ पर प्रोसेस होता है। जब रिक्रूटमेंट की यहाँ पर आप लोगों को बात देखने को मिलती है तो यहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों की बात की जा रही है, ठीक है। रिक्रूटमेंट के लिए इन सब चीजों के लिए तो सेंटर और स्टेट अलग अलग यहाँ पर सब अपने अपने को रिक्रूटमेंट करते हैं अपने अपने हिसाब से। तो यहाँ पर अगर देखा जाए सेंटर की जब बात आती है यहाँ पर तो प्रेसिडेंट पिक्चर में आते हैं और स्टेट की बात आती है जब गवर्नर पिक्चर में आते हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड अगर कुछ भी मैटर होता है रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर एक अपॉइंटमेंट भी आता है, सिलेक्शन भी आता है, यहाँ पर डेप्यूटेशन भी आता है, प्रमोशन भी आता है, अपॉइंटमेंट भी आता है, ट्रांसफर भी आता है। तो रिक्रूटमेंट के अंडर में ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट और गवर्नर पिक्चर में रहते हैं, प्रेसिडेंट सेंटर पर और गवर्नर स्टेट पर, ओके। इसके अलावा जो सेकेंडरी बात है देखिए कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी इनके ऊपर रहती है, जिस तरीके से फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैं पार्ट थर्ड में, ठीक है। तो पार्ट थर्ड में जो फंडामेंटल राइट रखे गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो इनके लिए सारे एप्लीकेबल नहीं होते, कुछ रिस्ट्रिक्शन रहती है। किस तरीके से मान लीजिए आप लोग देख सकते हैं कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, ठीक है, अगर मान लीजिए कल को प्रोटेस्ट करना है तो अगर सारे गवर्नमेंट ऑफिस ही प्रोटेस्ट करने चले गए तो दिक्कत हो जाती है। तो इस तरीके से जो कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं कि यहाँ पर इंटीग्रिटी बनाए रखे, ऑनेस्टी, एफिशिएंसी और डिसिप्लिन और इम्पार्शियलिटी बनाए रखने के लिए कुछ राइट्स हैं जो कि ये इनको प्रॉपर नहीं दिए जाते हैं ताकि यहाँ पर वर्क ढंग से चलता रहे। क्योंकि अगर आम जनता के साथ में ये भी प्रोटेस्ट करने लग गए तो फिर कैसे दुनियादारी चल पाएगी, सब कुछ ठप पड़ जाएगा हमारी कंट्री में। तो इसलिए कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो इनको नहीं दिए गए हैं ताकि जो हमारा एक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सिस्टम है, वो कम से कम वर्क करता रहे। इसके अलावा इनकी टेन्यूर की बात की जाती है, जो बात सेंटर में की जाए 310 के तहत तो वो होता है प्रेसिडेंट और बात अगर स्टेट में की जाए तो होता है गवर्नर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखिए एक तो एक साइड में तो हो गया यहाँ पर आप लोग देखने को मिला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंटर की और इसी तरीके से स्टेट की देखने को मिलेगी, पावर उनके हाथ में है। गवर्नर की जब बात आती है उनके हाथ में पावर चली जाती है। सेफ गार्ड क्या दे रखा है 311 के तहत यहाँ पर सेफ गार्ड भी है इनको कि देखिए कोई मनमानी नहीं कर सकता है ज्यादा, ठीक है। इसके अलावा इनको आप लोगों को देखने को मिला कई सारे सेफ गार्ड दे रखे हैं, तो इसको डॉक्ट्राइन ऑफ प्लीजर्स बोला जाता है यहाँ पर कि किस तरीके से सेफ गार्ड है इनको। ऐसा नहीं है कोई कभी भी चाहकर उठा के कहीं भी इनको हटा दे इनकी पोस्ट से, ठीक है, बहुत मेहनत करके बना जाता है यार। तो इसी तरीके से इनको आराम से न हटाया जा सके ताकि अपनी इंजॉय कर सके सर्विसेज को, वो भी किसी के अंडर के प्रेशर में ना आकर। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ सेफ गार्ड यहाँ पर रखे गए हैं। पहली बात क्या है कि अगर इनको रिमूव करना है, डिसमिस करना है या रिमूव करना है, दोनों वर्ड मैंने स्टार्टिंग में बताए थे आप लोगों को, डिसमिस करना है या रिमूव करना है इनको, तो इनको डिसमिस या रिमूव कोई ऑथोरिटी इससे नीचे नहीं कर सकती जिसने इनको अपॉइंट किया है। जिस ऑथोरिटी के द्वारा अपॉइंट किए गए उससे नीचे कोई इनको डिसमिस या रिमूव नहीं कर सकता है, ठीक है। पहली तो बात ये हो गई, ओके। दूसरी बात यहां पर क्या हो गई ये भी आप लोगों को पता। तो दूसरी बात में ये बोला गया कि मान लीजिए अगर इनको डिसमिस करना है, रिमूव करना है या फिर रिड्यूस करना है रैंक से, तो ऐसा नहीं है कि इनको ऐसे ही कर देंगे आग बंद करके, पहले इनके खिलाफ इंक्वायरी चलेगी। इंक्वायरी में अगर दोषी पाए जाते हैं तो तब जाके इनको हटाया जाएगा और उस टाइम में इनको भी एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि अपने आप को प्रेजेंट कर सके कि इनके खिलाफ जो चार्ज लगाए जा रहे हैं वो कोई इन पर कुछ कहना है क्या इनको। तो पिक्चर में ये भी रहेंगे, ऐसा नहीं है कि अपनी अपनी दादागिरी चलाकर इनको यहां से हटा दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे दो सेफ गार्ड ये, पर लेकिन जो दो सेफ गार्ड है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा ये आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं सर्विसेज के लिए है, पर लेकिन ये सेफ गार्ड आप लोगों को यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। जो यहाँ पर मिलिट्री सर्विसेज वगैरह हो गई वहां पर इस तरह कोई सेफ गार्ड आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, तो ये सिविल सर्विसेज के लिए ही है, ओके। सिविल सर्विस हो गया, ओल्ड इंडिया सर्विस हो गया या फिर स्टेट की सर्विसेज हो गया, तो उनके लिए ये सारी चीजें यहाँ पर आती है निकल के पिक्चर में। कुछ बातें हैं ओल्ड इंडिया सर्विसेज के बारे में, किस तरीके से इनको अपॉइंट किया जाता है, वो सब बातें हैं यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहला तो ये आर्टिकल बहुत बार पूछा जा चुका है, आर्टिकल 312 312 के में अंदर आता है ऑल इंडिया सर्विसेज, तो ये आर्टिकल कई बार पूछा जा चुका है। जब ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करने की बात आती है आप लोग देख चुके हैं, तो कई सारी बातें आती हैं यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करने की बात आती है, यहाँ पर जुडिशियल सर्विसेज भी आ जाती है, ठीक है ना। जो ऑल इंडिया लेवल पर जुडिशियल सर्विसेज भी आप लोग देख सकते हैं, तो ये भी पिक्चर में आती है, वैसे नहीं है यहाँ पर लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर जो पोस्ट है उनकी बात में जिक्र किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनको अपॉइंट करने की बात आती है तो यहाँ पर राज्यसभा के हाथ में पावर है, ना कि लोकसभा की, राज्यसभा के हाथ में पावर है और राज्यसभा में अगर 2/3 मेजोरिटी से पास की जाती है वैकेंसी तब जाकर यहाँ पर ये पिक्चर में आती है कि हाँ इतनी वैकेंसी है और इनको यहाँ पर लेकर आओ। तो कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हैं राज्यसभा में पावर किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टेट को पावर रिप्रेजेंट करता है, तो फेडरल सिस्टम को रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये स्टेट के अंडर ही काम करने जा रहे हैं काफी लंबे समय तक, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी जो इनका रिक्रूटमेंट कंडीशन ये सब चीजें हैं ये तो पार्लियामेंट के हाथ में है और ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951 के तहत बात की जाती है। अब बात कर ले 42nd अमेंडमेंट 1976 की, इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें यहाँ पर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, इसकी जब बात की जाती है तो इसको क्रिएट करने की बात की गई थी पर लेकिन ये भी पिक्चर में नहीं आ पाया आज तक, ओके। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा 28th अमेंडमेंट देखने को मिलेगा यहाँ पर 1972 में,
यहाँ पर इंसर्ट किया गया था आर्टिकल है, ये पावर दी गई थी पार्लियामेंट को कि जो कॉलोनियल टाइम पे क्राउन के टाइम पे हमारे यहाँ पर जो सर्विस चली हुई आती थी 1950 के बाद में भी, उनको अपने हिसाब से चाहे तो चेंज कर सकते हैं या फिर रिवोक कर सकते हैं, किसी भी तरीके से उनकी जो कंडीशन है वो चेंज की जा सकती है। मतलब पार्लियामेंट को पावर दे दी गई, जो देश आजाद हुआ 1950 से पहले जो भी चीजें हुई हैं, अगर सर्विस कंटिन्यू है और कुछ करना चाहते हैं उसके हक में, तो उसके बाद में पावर जो यहाँ पर दे दी गई, ये दे दी गई किसको, पार्लियामेंट को हमारे यहाँ पर। अब ये आर्टिकल भी देख लीजिए जो मैंने आप लोगों को एक एक करके बताए हैं, सारे आर्टिकल एक जगह है। पहले में तो इंटरप्रिटेशन दे रखी है, आर्टिकल 309 में कंडीशन आती है किस तरीके से रिक्रूटमेंट की सर्विसेज की सेंट्रल और स्टेट की, टेन्योर क्या रहना है, मतलब इनका टाइम पीरियड क्या रहना है, वो यहाँ पर आता है। 311 के तहत डिसमिस कर दिया जाता है, ये याद रख लेगा 311, पहले इसको डिसमिस करो फिर इसको डिसमिस करो या हटाओ, ठीक है ना, इस तरीके से कुछ भी तिकड़मबाजी करके बस आप लोगों को याद रखना है। ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 312 ऑल इंडिया सर्विसेज की यहाँ पर बात की गई है, ये इसके अंदर में आता है। 312 ए जो हम लोगों ने अभी किया, पावर इंपावर कर दिया पार्लियामेंट को कि किस तरीके से सर्विस की कंडीशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 313 यहां पर ट्रांजिशनल प्रोविजन है, किस तरीके से कहां पर किसको लेके जाना है। 314 प्रोविजन रखा गया, किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है जो ऑफिसर्स रहते हैं, ठीक है, ये यहां पर रिपील भी कर दिया गया है। ओके, इसको याद रखिएगा, क्योंकि पहले जो हुआ करता था, देखिए दो टाइम पे प्रोटेक्शन दी जाती थी, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए थोड़ी सी। पहला तो इंक्वायरी स्टेज पे, जब इंक्वायरी स्टार्ट होती है इनके खिलाफ, मान लीजिए किसी करप्शन में संलिप्त पाए गए, कोई उल्टा सीधा काम कर दिया, एक तो इंक्वायरी होगी स्टार्टिंग में इंक्वायरी स्टेज पे, तो वहां पे प्रोटेक्शन ले सकते हैं। और एक होती थी जब पनिशमेंट दे दिया जाता है, उसके टाइम भी एक प्रोटेक्शन देखने को मिलती थी कि वहां पर भी इनको एक मौका दिया जाएगा अपने आप को साबित करने का, पर लेकिन सेकंड वाली हटा दी, अब इंक्वायरी के टाइम पर ही यहां पर रहेगी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो सेकंड वाली प्रोटेक्शन थी वो हटा दी गई थी, तो इसलिए यहां पर आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में इतने ही, लेक्चर को देखिए शेयर कर दीजिएगा फेसबुक वगैरह पे ताकि सबको फायदा हो जाए, और आप देखिए एंजॉय किया कीजिए और साथ में रिवीजन भी करते रहा कीजिए, और अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों का और पानी का भी ध्यान रखिए, और अपने आसपास अपने सब चीजों का ध्यान रखिए, और छोटी सी लाइफ है एंजॉय कीजिए जितना कर सकते हैं, पर रिवीजन जरूर करते रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।